हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फेडरल मोगुल गोडजे इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद ही आपने इस कंपनी के बारे में पहले सुना हो, लेकिन कंपनी बहुत बड़ा मुनाफा करा सकती है आपको। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, क्या काम करती है कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है कंपनी, क्या आपको इसके शेयर्स खरीद लेने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कब तक होल्ड करें, क्या टारगेट है, एनालिस्ट की क्या रिसर्च है इस कंपनी के बारे में, ब्रोकरेज फॉर्म्स का क्या मानना है, सारा कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें, उसके बाद ही कोई बेहतर डिसीजन लें। शेयर में निवेश करना बेहद ही रिस्की होता है, इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले स्वयं एक बार कंपनी के रिसर्च जरूर करें, इसके फाइनेंशियल को पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों और सोशल मीडिया में, जिससे सभी को इस वीडियो के माध्यम से इस कंपनी की जानकारी मिल सके, निवेश संबंधी डिसीजन लेने में उनकी मदद हो सके। साथ ही अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ जानना है या आप बताना चाहते हैं हमें या हमारे क्लाइंट्स को, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप फेडरल मोगुल गोडजे इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसके माध्यम से आप कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड पार्ट में आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे और थर्ड पार्ट में इसके टारगेट बताएंगे। बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभदायक होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर देते हैं। फेडरल मोगुल गोडजे इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी। फेडरल मोगुल गोडजे लिमिटेड के क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ वर्ल्ड क्लास पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स, सिंटेडेड पार्ट्स एंड सिलेंडर लाइनर्स, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टू थ्री व्हीलर्स, कार्स, एसयूवी, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, स्टेशनरी इंजिन्स एंड हाई आउटपुट इंकोमोटिव डीजल इंजिन्स। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, पार्ट्स डिजाइन करती है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स में जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, सिंटर्ड पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। वाइडेस्ट रेंज ऑफ पिस्टन रिंग्स एंड पिस्टन वेरिंग फ्रॉम 30 mm टू 300 mm डायमीटर के पिस्टन बनाते हैं कंपनी। द मोस्ट मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी एट बेंगलोरी, पटाला एंड भिवाड़ी आज सर्टिफाइड TS16949, ISO 14001 एंड OHSAS 18001। इनकी कंपनी को सर्टिफाइड कर दिया गया है ISO से। मार्केट लीडर हैं बोथ इन OEM एंड आफ्टर मार्केट, एक्सपोर्ट्स टू मैनी कंट्रीज, कई देशों में ये अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गोडजे एंड गोडजे ब्रिको प्रोवाइड लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड द ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट्स। तो गोडजे एंड गोडजे ब्रिको इनको सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में, और ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में इस कंपनी को सपोर्ट दिया जाता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। इनके मैनेजमेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। मैनेजमेंट टीम में कौन है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर के एन सुब्रमण्यम हैं। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी की हम प्रोफाइल दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। पिस्टन, पिस्टन बनाती है कंपनी। कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं।
इनकी माइलस्टोन देख लीजिए, 1954 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेटेड एज जेवी विथ गोडजे वर्के। 1957 में रिंग एंड लाइनर प्रोडक्शन होता है पटियाला में। 1958 में पिस्टन प्रोडक्शन, 1960 में कास्ट आयरन, 68 में पिंस रिंग कैरियर प्रोडक्शन, 77 में पिस्टन रिंग प्रोडक्शन स्टार्टेड, 82 स्टील रिंग्स, 85 लाइट अलॉय प्रोडक्ट्स, 89 ऑटो थीमेटिक पिस्टन्स, 90 मोली कोस्टेड, 92 लार्ज बोर रिंग्स, 94 कंपोजिट पिस्टन्स, 96 एस्कॉर्ट्स ऑटोमोटिव डिवीजन हाइव्ड ऑफ इनटू जॉइंट वेंचर विथ मेसर्स महले जर्मनी, 97 गोडजे टीपी इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील रिंग्स, 2001 मर्जर ऑफ फेडरल मोगुल सेंटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 2003 मर्ज ऑफ एस्कॉर्ट्स। तो ये थे कंपनी के माइलस्टोन। कंपनी के पूरे प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाना चाहेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह के कंपनी प्रोडक्ट्स तैयार करती है। फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे, कंपनी की कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। पटियाला, भिवाड़ी, कॉरपोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, बेंगलुरु में इनकी फैसिलिटीज हैं। इनकी पिक्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंक्वायरी कर सकते हैं आप, फॉर्म दिया है। इनका नेटवर्क दिखाना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देख पा रहे हैं। भारत के कई प्रदेशों में ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुवाहाटी, पटना, रांची, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, गुड़गांव जैसे प्रदेशों में इनके नेटवर्क्स हैं। इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, चलिए इसका हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। करंट शेयर प्राइस है 288.50, चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। 52 एक जो लो है 202 है और हाई है 319। 52 वीक हाई से बड़ी गिरावट स्टॉक में दिख रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ है 10। हाई प्लोटो रिस्क स्कोर कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, बहुत अच्छे फाइनेंशियल हैं कंपनी के। स्ट्रेंथ 10 है, वीकनेस 0 है इसकी। अपॉर्चुनिटीज 1 है और थ्रेट है 0। बहुत ही अच्छी कंपनी निकल कर आ रही है। एमसी एसेंशियल 69% पास है। ओपन की बात करें तो 285.25 है। अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है, 22,424 का वॉल्यूम है। मार्केट कैप की बात करें तो 1.604 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। 200 डे एवरेज वॉल्यूम जो है 26,389 है। 20 डे एवरेज डिलीवरी जो है 79.07 है। पीबी जो 1.7 का है, सेक्टर पी 34.16 का है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। एडवांस चार्ट आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। स्टॉक अप ट्रेंड में है, काफी तेजी से स्टॉक प्राइस ग्रो हो रहे हैं। 5 ईयर और मैक्सिमम चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बिग शार्क इन्वेस्टर्स हैं, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 7.96% की होल्डिंग लेके रखी है। आईसीआईसीआई ग्रुप के पास 1.61% की होल्डिंग है। टेक्निकल रेटिंग देख सकते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे तो 1 मंथ का एवरेज जो है 63 के है। बहुत अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है। प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 वीक में 1.57% का रिटर्न, 1 मंथ में 4.53, 3 मंथ में 6.05, ईयर टू डेट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 34.06% का रिटर्न दे दिया है। 1 ईयर में -6.24 और 3 ईयर्स में -48.78% की होल्डिंग है, रिटर्न दिया है। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ईयर टू डेट से। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जानना चाहेंगे तो 100% बाई रेटिंग दी जा रही है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग सभी लोग बाई करने के लिए बोल रहे हैं। क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो
तो हम आपको लेकर आए हैं इसके फाइनेंशियल पर। कंसोलिडेटेड देखिए, नेट प्रॉफिट जो है काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले साल से। ईपीएस में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आरओई में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। डेट टू इक्विटी देखिए, पहले कंपनी पर डेट था, अब डेट जीरो हो चुका है। कंपनी ने अपना पूरा कर्ज उतार दिया है। बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास जो है 74% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 23.08% की होल्डिंग है। प्लेज एज परसेंट ऑफ प्रोमोटर शेयर्स, प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी पहले 94 थी, तो प्रोमोटर ने होल्डिंग कम करके 74 कर दिया है। ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं प्रोमोटर होल्डिंग में। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। निवेश करते हैं कितना रिटर्न मिल सकता है, तो बाजार ट्रेंड की वेबसाइट के अनुसार शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करके चल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी ओपन करना चाहते हैं, आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। किसी प्रकार की क्यूरीज के लिए हमें कमेंट करिए, कॉल करें, मेल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।